नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है। सीएम धामी G20 समिट में करेंगे शिरकत। राष्ट्रपति की ओर से आयोजित डिनर में होंगे शामिल और G20 समिट में मेहमानों के लिए डिनर का आयोजन किया गया है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है, इसलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली दौरे पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है, जो शाम को डिनर पार्टी का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति की तरफ से निमंत्रण भेजा गया है, उसमें आमंत्रित हुए हैं और आज उसी डिनर पार्टी में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है, इसलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में G20 के समिट के अवसर पर यहां पे राष्ट्रपति द्वारा डिनर का आयोजन किया गया है और इसी डिनर के आयोजन में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहाँ पे बुलाया गया। भव्य कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, G20 समिट हो रही है राजधानी में, जिसमें पहुँच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली दौरे पर रहेंगे आज सीएम पुष्कर सिंह धामी। शाम को जो डिनर पार्टी 7 बजे होने वाली है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे बुलाई गई है, उनके इस डिनर पार्टी में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। G20 समिट में मेहमानों के लिए डिनर का आयोजन किया गया है। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है। बता दें कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहाँ पे निमंत्रित किया गया है और इसलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली पहुंचे हैं। तमाम राज्यों के यहाँ पे मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसी संदर्भ में देखिए दिल्ली दौरे पर है और आज शाम को 7 बजे डिनर पार्टी का आयोजन किया गया है। 9-10 तक तकरीबन ये डिनर पार्टी चलेगी। सभी मुख्यमंत्रियों को इस डिनर पार्टी में बुलाया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी या पहुंचने वाले, क्या अपडेट? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और आज ये कह सकते हैं कि जो G20 की जो महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होनी है, उसके रात्रि भोज कार्यक्रम में वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वहां पर होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से इस समय पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, लगातार बेहतर काम हो रहे हैं, तो ऐसे में G20 की जो बैठकें पिछले दिनों उत्तराखंड में भी 3 बैठकें हुई है, उसका भी आभार प्रकट करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में वहां पर मौजूद है। तो प्रधानमंत्री का आभार भी प्रकट करेंगे। उत्तराखंड राज्य में इन G20 की बैठकों का सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बड़ा लाभ यहाँ पर मिला है। उत्तराखंड का नाम देश विदेश में अब एक नई पहचान के रूप में जाना जाने लगा है। तो ऐसे में जो सौभाग्य मेजबानी का जो काम उत्तराखंड राज्य को दिया गया था, जिससे बेहतर काम उत्तराखंड राज्य ने किया है, उसी का आभार प्रकट करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भी वहीं पर दिल्ली में ही उनका कार्यक्रम रहेगा। कल भी दिल्ली में ही मुख्यमंत्री वहां पर रहेंगे और इस दौरान संभवतः जिन मंत्रियों से ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिलने का समय मांगा है, उनसे राज्य के विकास की जो चर्चा है, उन चर्चाओं को वो करेंगे, ताकि उत्तराखंड राज्य में जो विकास के जो काम है वो तेज गति से यहाँ पर किए जा सके। और जो केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड राज्य को सहयोग का जो वायदा किया जाता है, उस सहयोग में किस प्रकार से आगे काम किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर करेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा वैश्विक संबंध बनाने के लिए भी जरूरी है और राज्य के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह कि जब G20 समूह के देशों के प्रतिनिधि मंडल वहां पर होंगे, उनके राष्ट्राध्यक्ष वहां पर होंगे या दूसरे जो आमंत्रित जो सदस्य हैं वो वहां पर होंगे, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जरूर उत्तराखंड राज्य में जो आगामी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ पर होने जा रहा है, उस सभी में ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को आमंत्रित करने की बात यहाँ पर करेंगे। और ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का विशेष सहयोग उत्तराखंड राज्य के प्रति देखने को मिलता है, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि G20 के माध्यम से देश के अन्य राज्यों में भी और उत्तराखंड राज्य में भी निवेश ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हो सके, विकास के काम तेज गति से यहाँ पर हो सके, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे जी। और ये काफी जरूरी भी अब है और इसी संदर्भ में देखिए सुबह के मुखिया लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आज का ये डिनर, आज की पार्टी जो है, ये डिनर पार्टी तो है ही, इसके साथ साथ वो संदेश दे सकती है जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं कि उत्तराखंड की भूमिका देश में कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि अगर ये डिनर तो एक बहाना मात्र यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रात्रि भोज है एक बहाना मात्र है यहाँ पर है, ऐसे में उत्तराखंड राज्य कैसे वैश्विक स्तर पर अपनी एक नई पहचान यहाँ पर बना सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की अपार संभावनाएं यहाँ पर है, चाहे वो
आयुष के क्षेत्र में हो, वेलनेस के क्षेत्र में हो, या फिर औद्योगिक विकास के क्षेत्र में यहाँ पर जो अपार संभावनाएं दिख रही है, ऊर्जा के क्षेत्र में जो अपार संभावनाएं राज्य के भीतर है, तो उसमें किस प्रकार से यहाँ पर निवेशकों के माध्यम से और बेहतर काम किया जा सकता है, उन विषयों पर बातचीत जरूर यहाँ पर की जाएगी। और उत्तराखंड को तो आदिकाल से ये कहा जा सकता है कि आयुर्वेद की धरती से कहा जाता है, योग की धरती से कहा जाता है, वैसे में उत्तराखंड राज्य का और किस प्रकार से विकास के क्षेत्र में और आगे बढ़ाया जा सकता है, उन सब विषयों पर बातचीत यहाँ पर होगी। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब यहाँ पर प्रतिनिधित्व राज्य का करेंगे तो ये समझा जा सकता है कि केंद्र का सहयोग भी मिलेगा। उत्तराखंड राज्य में आगामी दिनों में जो इन्वेस्टर समिट होगा, उस इन्वेस्टर समिट में कई ऐसे निवेशक भी यहाँ पर आएंगे जो उत्तराखंड राज्य में विकास की जो रफ्तार है उसको बढ़ाने में अपने सहयोग यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, और ये काफी अहम भी है। ये बताइए अब कि कब वापसी होगी वहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की? देखो अभी तक का ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है, दो दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर बताया गया था, संभवतः उम्मीद ये की जा सकती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10 तारीख की शाम में देहरादून यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और अगर इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का जो समय है, अगर उस समय मिलता है तो फिर उस कार्यक्रम में यहाँ पर और बदलाव भी किए जा सकते हैं। लेकिन ये समझा जा सकता है कि अक्सर दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व दिल्ली में करते हुए नजर आएंगे। और कोशिश यही रहेगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कि उत्तराखंड राज्य में विकास का जो पहिया है वो तेज गति से घूम सके, ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तराखंड में आ सके। जी, और हमेशा से जब जब दिल्ली जाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तब तक नई सौगात लेके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के दूसरे सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि देर रात तक चली सदन की कार्यवाही में विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरा है, तो वहीं मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सरकार ने 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट समेत 12 विधेयक सदन में पारित कराए, जिससे रुके हुए विकास कार्यों को जल्द बजट उपलब्ध हो सकेगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये 3 दिन का हमारा विधानसभा सत्र, आप जानते हैं कि आदरणीय चंदन रामदास जी और कुंवर सिंह नेगी को श्रद्धांजलि देने के बाद जो 2 दिन का हमारे कामकाजी कार्य सत्र हुआ, इसमें मैं सभी माननीय विधायकों का, विशेषकर विपक्ष के विधायकों का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने इस सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित करने में अपना योगदान दिया। लेकिन आप जानिए जिस प्रकार से हमारे सरकार के तमाम मंत्रियों ने और जो विपक्ष के सवाल थे, अनुपूरक प्रश्न थे, उसका बहुत संतोषजनक जवाब दिया। और देहरादून में सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी विधायकों ने सत्ता पक्ष पर संतोषजनक जवाब ना दिए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि सरकार के मंत्रियों ने बेहतर जवाब दिए और विधायकों की हर समस्या का समाधान दिया। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि इस बार सदन की परंपरा के विपरीत भी किसी प्रश्न के 3 अनुपूरक प्रश्नों से ज्यादा प्रश्नों के भी संतोषजनक जवाब दिए गए हैं और साथ में काफी कुछ यहाँ पे किया गया है। ये विपक्ष का अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन मैं कह सकता हूं कि तमाम मंत्रीगणों ने बहुत संतोषजनक जवाब दिए किसी भी सवाल का, और जो उसके सापेक्ष अनुपूरक प्रश्न थे, अब आप भी जानिए, मैंने वहां सदन में भी कहा, मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं, मैं अध्यक्ष रहा हूं विधानसभा का, मैंने कहा कि एक प्रश्न के सापेक्ष आप परंपरा रही है कि 3 प्रश्न पूछेंगे। अब आप देखिए 12-12, 15-15 अनुपूरक पूछ रहे हैं, उसके बावजूद मंत्री जवाब दे रहे हैं, संतोषजनक जवाब दे रहे हैं। तो इसको आप, मैं कह सकता हूं, मैं माननीय मंत्री, तमाम मंत्रियों का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, उनका अभिनंदन कर रहा हूं। जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने ऋषि पर्णा सभागार में ब्लड बैंक संचालकों एवं लैब संचालकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने देहरादून जिले में स्थित सभी ब्लड बैंकों को खून की उपलब्धता की सूची सार्वजनिक तौर पर चस्पा करने के निर्देश दिए, साथ ही उन्हें रक्तदाता का विवरण अपडेट रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी तरीके की अनियमितता सामने आएगी तो तय के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीएम ने ब्लड बैंक संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि वो मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी से काम करें।
और इस बीच अहम जानकारी आ रही है कोटद्वार से। जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड का लाल हुआ है शहीद। आतंकियों से मुठभेड़ में जवान शहीद हो गया है। शहीद बिरोंखाल के ग्राम पसौल निवासी दीपेंद्र रावत हुए हैं। आज रात तक गांव पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर। तो यहां पे उत्तराखंड का एक लाल शहीद हो चुका है। और बता दें कि बिरोंखाल के ग्राम पसौल निवासी के थे ये, जिनका पार्थिव शरीर आज शाम जो है उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। और ऐसे में एक और जवान शहीद हो गया है। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से बॉर्डर पे तैनात होते हैं जवान हमारे सुरक्षा के लिए, और एक के बाद एक शहादत वो देते जाते हैं देश के नाम पे। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सेना का जवान जो है वो शहीद हुआ है, जो कि आंखें नम करने वाली है। बिरोंखाल के ग्राम पसौल निवासी दीपेंद्र रावत शहीद हो चुके हैं। इस वक्त परिवारजनों में काफ़ी गम का माहौल है। आज रात तक गांव पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर। तो जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड का लाल शहीद हुआ है। एक बार फिर से नम आंखों से विदाई दी जाएगी। आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का जवान शहीद हो चुका है। बहुत ही दुखद घटना ये निकल के सामने आ रही है, दुखद समाचार है। बिरोंखाल के ग्राम पसौल निवासी दीपेंद्र रावत जो है वो शहीद हो चुके हैं। और सेना जो है हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात तैनात होती है। आतंकियों से मुठभेड़ में उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। उनकी शहादत को पूरा देश जो है वो सलाम करता है। जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड का लाल शहीद हो चुका है। परिवारजनों में गम का माहौल है। और आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान बता दें कि जवान जो है वो शहीद हुआ है। काफ़ी ज़्यादा मायूस करने वाली ये खबर है। बिरोंखाल के ग्राम पसौल निवासी दीपेंद्र रावत शहीद हो चुके हैं। अंजना गोयल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। अंजना, कब हुई ये घटना और क्या कुछ जानकारी आपके पास? मैं आपको बता दूं, बिरोंखाल के रहने वाले पसौल गांव के दीपक जी हैं, जिनका कल देर शाम निधन हो गया और वहां पर ये शहीद हुए हैं। और जो यहां पर गांव वाले हैं उनका कहना है कि यह वहां पर इस टाइम गढ़वाल राइफल्स की तरफ से तैनात थे और उसी दौरान ड्यूटी के दौरान ही उनके शहीद हुए हैं। परिवार वालों की क्या हालत है? कहा यह जा रहा है कि शाम तक उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। जी हाँ, जिस तरह से प्रधान से बात करने पे हमें जानकारी प्राप्त हुई है, उनका कहना है कि आज शाम तक तो उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंच जाएगा और पूरे सम्मान के साथ उनका जो वहां पर घाट है बना हुआ है उसमें वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कब पंचतत्व में विलीन होंगे वो? जी, जिस तरह से सनातन धर्म के अनुसार देर शाम से पार्थिव शरीर पहुंचेगा तो सूर्यास्त के बाद वहां पर पार्थिव शरीर को अग्नि नहीं दी जाती है, तो कल ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है अंजना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको तमाम जानकारियों के लिए। और हरिद्वार में सनातन पर उदय निधि के दिए गए बयान का शोर अभी भी थमा नहीं है। वहीं ए राजा के सनातन पर दिए गए बयान ने एक बार फिर संतों में उबाल ला दिया है। बता दें कि ए राजा के बयान को लेकर अभी साधु संत जो है काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। नागा सन्यासियों ने अब आह्वान कर दिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अपने नागा सन्यासियों के आह्वान करने का निर्णय लिया है। तभी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि सनातन पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, नागा सन्यासी इन प्रहारों को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि ओंकारेश्वर में सभी नागा सन्यासियों का आह्वान किया गया है। साथ ही कहा है कि अगर केंद्र सरकार इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो यहां पे प्रदर्शन किया जाएगा। कहीं पुनः मैं कह रहा हूं कि अभी जो है 18 तारीख को सभी साधु संत जितने भी नागा है, हमारे भगवान शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसकी स्थापना होनी है ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर में सभी इकट्ठे होंगे और हमारी जो रणनीति है वहाँ से बनेगी। और उससे पूर्व मैंने अभी एक और योजना चलाई हुई है, जितने हमारे अखाड़ों के जितने भी जो सन्यासी अखाड़े हैं, जितने भी लोग हमें सनातन का प्रचार करना पड़ेगा, घर घर में, गांव गांव में, हमें जहां तक कोई जा नहीं पा रहा है वहां तक हमारे संत जाएंगे, सनातन का प्रचार प्रसार करेंगे। वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।
फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच हो गई है। बता दें कि शहर में तेज बारिश शुरू हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले में कहीं कहीं बारिश और गर्जना का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और देहरादून में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच हो गई है। बता दें कि शहर में तेज बारिश शुरू हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भविष्यवाणी की है। गर्जना के साथ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबर कालाढूंगी से है, जहां उप प्रभागीय वन अधिकारी किरण शाह के निर्देशन तलीय कोटबाग के अलग अलग दो घरों में यहां पे एक्शन लिया गया है और छापेमारी की गई है। दरअसल मुखबिर ने सूचना दिया था कि यहां पे तलिया कोटबाग में जंगली जीव का शिकार किया गया है। वहीं एसओजी टीम इंचार्ज किशोर गोस्वामी के नेतृत्व ऑपरेशन चलाया गया। छापे के दौरान तालिया निवासी मोहन सिंह के घर से जंगली जीव के 2.50 किलोग्राम मांस बरामद हुए हैं। वहीं वन विभाग के द्वारा यहां पे लगातार छापेमारी की जा रही है और तलिया निवासी मोहन सिंह के घर से 4.5 केजी जंगली जीव के साथ शिकार में उपयोग किया गया बंदूक भी बरामद किया गया है, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तलिया गाँव के ये थे, हमें इन्फॉर्मेशन मिला था एक हमारे खास मुखबिर से, तो लगभग 6:30-7 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिला, तो हमारा ये एसओजी टीम को वहाँ रवाना कर दिए। तो इन्होंने वहाँ तलिया गांव में जाके एक आदमी को पकड़ा जो जिसके घर में सांभार के बॉडी पार्ट्स थे और सांभार के मीट भी थे। उसके बाद उनको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको ये पता चला कि एक और है पतलिया गाँव से, वहाँ से थोड़ा दूर, तो उनके घर के घर में उनका एक गन है, वो जो वेपन शिकारी में यूज़ किया गया था, तो उसको अवैध शिकार में यूज़ किया गया था, तो वहाँ जाके उनको गन के साथ और मीट के साथ पकड़ा और उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हल्द्वानी कोर्ट में प्रोड्यूस किए और उनको जेल भेजा गया। और देहरादून में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर श्री अनंत अंबानी ने 25 करोड़ की धनराशि मुख्यमंत्री को राहत कोष के लिए प्रदान की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिलायंस इंडस्ट्री श्री अनंत अंबानी के सहयोग के लिए आभार जताया। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा के सत्र को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष पर व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप लगाता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि विपक्ष की जगह सत्ता पक्ष है, सदन की कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न करता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि विपक्ष हमेशा सदन को सुचारू रूप से चलने में सहयोग देता है, लेकिन जब सरकार के पास कुछ नहीं होता है तो वो व्यवधान उत्पन्न करके सदन की कार्रवाई बाधित करता है। तो चाहते हैं कि सदन की गरिमा बनी रहे और अक्सर देखने में आता है ट्रेजरी बैंक सत्ता पक्ष से ही व्यवधान पैदा करता है, क्योंकि वो सवालों से बचना चाहते हैं, इसलिए सदन को बाधित करते हैं और सदन को स्थगित कर देते हैं। लेकिन हमने हमेशा जो जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है विपक्ष की भूमिका निभाने की, हमने उस ईमानदारी से उस भूमिका का निर्वहन किया है और आगे भी बहुत समय जो यहाँ के मसले हैं, यहाँ के मसलात हैं, यहाँ की समस्याएं हैं, यहाँ के जो प्रदेश में इस साल मॉनसून ने अपना कहर बरपाया है। हालत ये रही है कि प्रदेश भर की सड़कें कई जगह पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और सड़कों की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे थे। फिर चारधाम यात्रा मार्ग की बात करें या फिर वो मार्ग जो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ते हैं, सभी जगह बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पे
बता दें कि 500 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि मानसून अब लगभग जा चुका है, ऐसे में हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों की हालात को जल्द से जल्द सुधार दिया जाए। पीडब्ल्यूडी की तरफ से टेंडर भी जारी कर दिया गया है और जल्द से जल्द हम सड़कों की इस खस्ता हालत को ठीक करवा देंगे। मैंने निर्देश दे दिए हैं सचिव को कि सभी जगह जो है तैनाती की जाए और सड़क का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाए। टेंडर हो रहे हैं और हम सड़क को चुस्त दुरुस्त करेंगे और आने वाले समय में, क्योंकि पहाड़ के ऊपर क्षेत्र में तो मैं खुद ही गया था, अभी बागेश्वर गया था, तो ऊपर की सड़कें ठीक हैं, पर जहां पर नाली की निकासी नहीं होती, पानी की निकासी नहीं होती, वहां पर सड़क टूट जाती है, रोड कट जाती है और खास करके बद्रीनाथ मार्ग भी काफी खस्ता हालत में है, उनकी रिपेयरिंग की जाएगी। और जगह जगह जहां भी एवलांच होता है वहां पर हमारे जेसीबी तैनात हैं और रास्ता खोल देते हैं। और हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चलाए जा रहे देवभूमि नशा मुक्त अभियान में जिला आबकारी अधिकारी के आदेश पर आबकारी विभाग की टीम जनपद के शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं आबकारी विभाग की टीम ने सहदेवपुर के पास जंगलों में छापेमारी की, जहां मौके पर मिली 800 किलोग्राम लहन और 20 लीटर कच्ची शराब बरामद करके उसे वही नष्ट कर दिया गया। बता दें कि आबकारी विभाग के अभियान में लगातार हो रही कार्रवाई को लेकर जिला आबकारी अधिकारी प्रभाव शंकर मिश्रा ने जानकारी दी है। महोदय, श्री एस एस सिमाल जी के आदेश के अनुपालन में हम लोग विशेष अभियान पिछले महीने से चला रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें बार बार निर्देशन मिलते रहते हैं, उनके ही निर्देशन में कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई हमने फोकस की है रुड़की के ग्रामीण, हरिद्वार के ग्रामीण और लक्सर के ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस की। हालांकि छापे हर जगह पड़ने, जहाँ भी शिकायतें मिलेंगे, और हमने विशेष फोकस किया कि कच्ची शराब की जो भट्टियाँ हैं उनको संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए और इसी अभियान के तहत हमने लगातार अभियान को फोकस किया है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।